सामने एक लाख रुपये देखो, हाँ देख गया देख गया, रिकॉर्ड हो रहा है। बीच रोड पे साइड में सर, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ हाँ वंडरफुल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ रोडन टाइगर। रोडन टाइगर के इस वाले एपिसोड में आप देख रहे हैं किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सफारी। ये मॉर्निंग सफारी है और ये मॉर्निंग सफारी मैंने सुबह के कोई 5 बजे सुबह की थी, 5:30 बजे एंट्री होती, और 5:30 बजे एंटर होने के बाद करीब 2 घंटे हमने, 1.25 घंटा हमने एक टाइगर टाइग्रेस की रोरिंग सुनी। बिल्कुल करीब 15 फीट से वो रोरिंग चल रही थी और हमने काफ़ी वेट किया कि वो टाइगर टाइग्रेस बाहर निकले। कल की सफारी में भी वो रोरिंग सुनाई दे रही थी लेकिन वो टाइगर टाइग्रेस बाहर नहीं निकले। फिर हम जंगल घूमते हुए एक दो और टाइगर टाइग्रेस की टेरिटरी होते हुए हम कैंटीन गए और कैंटीन में हमने चाय पी के वहाँ पे वो एपिसोड ख़त्म कर दिया। अगर आपने वो लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। इस वाले एपिसोड में मैं उसी मॉर्निंग सफारी को कंटिन्यू कर रहा हूँ और ये प्रॉपर पूरी सफारी जो है, क्योंकि बड़ी सफारी होती है, करीब करीब 4 घंटे 4.5 घंटे की होती है, तो इसे मैं 2 पार्ट में दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैं इस मचान के पास हूँ और यहाँ पे आप नीचे उतर सकते हैं और ये मचान में जा सकते हैं। हालांकि मेरा कोई अब इंटरेस्ट है नहीं मचान में जाने का, तो इसलिए मचान में नहीं जा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि ये ग्रास लैंड है, यहाँ पर इस तरह का ग्रास लैंड है और ये ग्रास लैंड बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी टाइगर टेरिटरी डेवलप होने के लिए, एक ऐसा जंगल डेवलप होने के लिए जहाँ पे टाइगर्स अच्छे से पनप सके। ग्रासलैंड बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि अगर ग्रासलैंड रहेंगे तो ग्रासलैंड के कारण वहाँ पे रहेंगे हिरन और बाकी जो ऐसे जानवर जिनको टाइगर्स खाते हैं मारते हैं, और अगर वहीं नहीं रहेंगे तो टाइगर्स कैसे जिंदा रहेंगे। तो फिलहाल मुझे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है दुधवा टाइगर रिजर्व का किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है, मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है और कहीं ना कहीं ये जंगल जो है मुझे पन्ना टाइगर रिजर्व याद दिला रहा है। जिम कॉर्बेट नहीं कह रहा हूँ, पन्ना टाइगर रिजर्व कह रहा हूँ। कुछ दिख रहा है बीच बीच में, कहीं कहीं पे कोई कुछ कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ पे लग रहा है जैसे मैं जिम कॉर्बेट में आ गया। जिम कॉर्बेट से नज़दीक है जगह लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इसका जो लैंडस्केप है वो पन्ना टाइगर रिजर्व जैसा लग रहा है। चलेंगे अब आगे जी। हम वापस उस जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे टाइगर टाइगर्स की रोरिंग आवाज़ आ रही है, उनकी मीटिंग कॉल्स की आवाज़ हो रही है। यहाँ कल से गाड़ियाँ खड़ी है, आज भी सुबह हम लोग यहाँ खड़े थे, फिर से एक बार हम यहीं पर चांस करें इस जगह पर जाने रोरिंग की आवाज़। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रहा हूँ, ये फॉरेस्ट गार्ड है। देखो ये बाइक से उतर के पैदल जा रहे हैं और चेक करके आ रहे हैं वाटर रोड। इंद्रपाल जी, ये सड़क क्या कहलाता है, इस पे हम लोग चल रहे हैं, क्या रिंग रोड बोलते हैं इसको? जी हाँ, इसको रिंग रोड बोलते हैं। जंगल के अंदर का रिंग रोड है ये जी। तो मतलब रिंग रोड इसलिए क्योंकि ये पूरे सर्कल में कवर करता है जी, पूरा सर्कल लेक है जी। जी जैसे हम लोग मचान नंबर 1 पे रुके थे, मचान नंबर 1 से मचान नंबर 2, फिर ये पूरा ऐसे राउंड करके आरसीसी वॉच टावर से फिर घूम के सीधा फिर मचान नंबर 1 पे निकल जाते हैं। अच्छा। तो ये पूरा मतलब गोलाकार मतलब जो है वैसी गोल, इसलिए इसको रिंग रोड बोलते हैं जी, इसी की वजह से इसको रिंग रोड बोलते हैं सर। इस पर्टिकुलर जो रिंग रोड है जी, इसमें कितने टाइगर्स की टेरिटरी है? इसमें वैसे तो 2 मेल टाइगर जो थे। मेल टाइगर 2 है जी? हाँ, 2 मेल टाइगर है, बट अभी एक टेरिटरी हार के चला गया, दूसरे ने कब्जा कर लिया। अच्छा। तो अभी जो मतलब थोड़े से एरिया में इसमें रिंग रोड पे, इसमें तो एक ही रह रहा है जो है बजरंग, और फीमेल इसमें 2 हैं। दो है, एक काली फीमेल है, उसके 2 कप्स हैं, दूसरी नेकेटिव फीमेल है सर।
इसी रिंग रोड वाले एरिया में? जी हाँ, इसी रिंग रोड वाले एरिया में। और दूसरा जो नकटी फीमेल है उसके 3 सब अडल्ट कब्स हैं सर। अच्छा, वो अभी थंडर जो है उनका बाप था वो एरिया हार गया है, तो उसकी वजह से वो कब्स भी मतलब चले गए। अच्छा। बट कभी कभी आते हैं फिर चले जाते हैं वापस। अभी इस टाइम जो है बजरंग मीटिंग कर रहा है, दुर्गा फीमेल है जो नकटी का ही कब्स आवाज सुन रहे हैं मीटिंग का। जी जी, जो हम लोग आवाज सुन रहे हैं। दुर्गा फीमेल कहाँ से आ गई? उसका टेरिटरी है ये, उसकी टेरिटरी। ये मैंने अभी आपको बताया कि जो नकटी फीमेल है उसके जो 3 सब अडल्ट कब्स थे उसमें से एक कान्हा मेल, दूसरा बलराम मेल और तीसरी दुर्गा फीमेल। तो दुर्गा फीमेल के साथ में मीटिंग कर रहा है ये। अच्छा जी सर, ये नकटी जो थी, जो नकटी की बेटी है दुर्गा फीमेल जो है उसके साथ। जी जी जी, उसी के साथ। तो कितनी कितनी एज क्या होगी उसकी, दुर्गा फीमेल की? उसकी 2.5 साल एज, 2.5 साल की होगी। मतलब पहला पहला आई थिंक उसका मीटिंग चल रहा है, ये उसका पहला मीटिंग, पहला मीटिंग होगा। और ये बजरंग उसके साथ कर रहा है जो थंडर, जिसको हराया उसने। जी जी, है ना, थंडर वाज मतलब थंडर फादर हुआ उसका। जी हाँ, थंडर फादर हुआ उसका। अच्छा, उसके साथ होता है। ठीक है, क्योंकि अभी डोमिनेटिंग मेल वही है इसलिए वो कर रहा है। हाँ, इसी की वजह से तो पूरा कब्जा कर लिया उसने। अच्छा, एक बात बताओ, अगर यहाँ पे थंडर मेल मान लो रहता तो दुर्गा के साथ तो मीटिंग नहीं करता? मुश्किल है सर, ऐसा तो नहीं, कभी होता है ऐसा? ऐसा तो मैंने तो नहीं देखा सर। हाँ, तो दुर्गा फिर कहीं और जाती मीटिंग कराने के लिए, किसी और लोगों से? जी, और भी मतलब जो दूसरे एरिया हैं, दूसरे मेल पे जाती है, उधर दूसरे मेल भी हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये पूरा मतलब एरिया है, छोटा सा एरिया है 204 स्क्वायर किलोमीटर में, जिसमें 20% एरिया जो खुला हुआ है उसमें 15 से 16 टाइगर हैं, जिसमें अभी हम लोग उधर गए थे, उधर रोड नंबर 17 फायर लाइन, उधर एक तो मेल है कुलराही मेल वो आता है, और दूसरा एक बाउंड्री लाइन पड़ती है, पुलिया बोलते हैं, छोटी पुलिया, उधर भी मेल टाइगर एक है, बाउंड्री लाइन से कभी कभी आता वो दिखता है हम लोगों को, वो भी काफी यंग है, और गुलराही है जो वो भी एकदम यंग है, तो उनसे मीटिंग कर सकते हैं। और गुलराही मेल वैसे तो अभी जो रिंग रोड का मैं सर्कल पूरा बता रहा हूँ वो टावर 1 उसके पास में बैठा हुआ था अभी 2 दिन पहले। अच्छा जी, वही सामने हम लोग उसके साथ खड़े थे और वहीं से रोड की फिर से आवाज़ आ रही है, मीटिंग चल रही है उनकी लगातार। आज डे 3 है उनका मीटिंग का, तो या तो आज शाम तक निकलेंगे या कल निकलेंगे, आज अभी निकलने चाह रहे, क्योंकि मीटिंग लगातार चल रहा है। अब मीटिंग के बीच में निकले क्योंकि हर 15-20 मिनट पर रोड आ रहा है, हर 15-20 मिनट पर रोड आ रहा है, और ऐसे ही होता है 15-20 मिनट आधे घंटे पर वो मीटिंग करते हैं, और मीटिंग के बाद जो एक साउंड होता है वो करते हैं, फिर अलग होते हैं और फिर वापस थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। क्या सजेस्ट करते हो, रुके अभी या चले? तो चलने से भी एक भी हमें चल भी सकते। क्या बोलते हो इंद्रपाल जी? देखो मैं एक सजेस्ट करूं, चलते हैं एक बार कहीं घूम के आते हैं, फिर वापस यहाँ पे आ जाएंगे, निकलने से ठीक पहले। तुम्हारे पीछे भी खड़ी गाड़ी खड़ी है ना, देखते हैं 10-15 नहीं कुछ होता तो फिर चलते हैं। ठीक है, एक गाड़ी वहीं खड़ी है, एक गाड़ी जो है वहां से निकल के गई है, मतलब चेंजेबल तो नहीं है। एक ईगल दिखा है हमारे को, लेकिन ये ईगल जो है ना इसके सामने से धूप क्लियर नहीं आ रहा है, ये उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया। हनी बाजार है सर ये। कौन सा ईगल है? हनी बाजार। हनी बाजार, मधुमक्खी लगी हुई है ना उसी के चक्कर में बैठा है ये। अच्छा अच्छा, वो है, उड़ गया। वो जो ईगल था वो मधुमक्खी खाने के लिए था, और मधुमक्खी का छत्ता था वहां पे, तो ऐसे कंडीशन में ना जंगल में बड़ा खतरा हो सकता है, अचानक से मधुमक्खी उड़े तो आप फिर भागो, और कहाँ भागोगे आपके लिए कोई जगह नहीं रहेगा, तो इस कारण से अब हमने गाड़ी वहां से हटा ली है, और सामने में बाकी जो जहाँ जिप्सीज खड़ी है ना वहीं पे शायद जाके हम गाड़ी लगाएंगे, क्योंकि रोड तो वहीं से आ रहा है, इधर पीछे से आ नहीं रहा, पीछे से वाटर बॉडी था, वाटर होल था वहाँ पे, तो एक उम्मीद थी कि वाटर होल के पास में टाइगर आएगा या टाइगर से वहाँ से निकल सकता है, वहाँ से ट्रैवल करते हुए, लेकिन रोड अभी भी यहीं से आ रहा है, देखते हैं या तो वहाँ से आएगा या यहाँ जामुन का कोई पेड़ बता रहे। कौन सा जामुन का पेड़ बता रहे थे, कहाँ पे है? यहीं की, इसी जगह की बता रहे कि यहाँ से निकल सकते, यहीं रुक दो ना फिर, यहीं रुक। हाँ बस बस, टाइगर है भी यहीं पे। सामने हाँ, देख गया, रिकॉर्ड हो रहा है।
बीच रोड पे साइड में सर, लेफ्ट या राइट साइड? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ हाँ, थोड़ा आगे ले लो, आगे नहीं निकलना चाहिए जिप्सी। इधर रिकॉर्ड करना, पेड़ के पास चला है ना, दोस्तों का मोमो रेस्ट काम, टाइगर पेड़ के पास निकला है, तो मैं कुछ चल चुप रहो, चुप रहो सर, दिन हो रही है। एंड वंडरफुल वंडरफुल, ये आ गया, आ गया सामने, आ गया हैरान है। ओके चलो सर, आगे लो, आगे लो, आगे लो, मुड़ गया, वाओ। इस मोमेंट के इंतजार कर रहे थे, वो मोमेंट आ गई है, टाइगर आके ट्री के ऊपर बीच में बैठ गया। इट्स अ बिग टाइगर, आई थिंक ये बजरंग है, मेल टाइगर है, यही वो टाइगर है दोस्तों जिसकी मैंने तकरीबन एक घंटे के आसपास साइटिंग करी थी। You're watching exclusive Roadrunner Tiger from Kishanpur Wildlife Sanctuary. Tadwa Tiger sir. हमारी मेहनत सफल, जिस हमारे कुछ सेकंड पहले के ऐसा कि कुछ टाइगर दिखेगा और कुछ सेकंड के बाद ही टाइगर आके ट्रेल के बीच के साथ headshot, headshot, 90, I just can't believe this, head on, head on, I just can't believe this, I'm recording all these things, अरे 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 अंदर जा रहा क्या?
सफारी में अगर कभी किसी भी सफारी में अब तक ऐसा मोमेंट नहीं आया चाहे कितना लंबा टाइगर मेरे सामने बैठा हुआ है और मैं बिल्कुल सामने से रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको। टाइगर का चेहरा मेरी तरफ है और भी लोग इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन उसका चेहरा मेरी तरफ है। दूरी होगी कम से कम 100 मीटर की, 100 मीटर की दूरी है। मैं कंसंट्रेट करता हूँ प्राइमरी कैमरे के ऊपर, उसकी रिकॉर्डिंग के ऊपर मैं कंसंट्रेट करता हूँ। बिल्कुल सामने आके बैठ गया है। ये मेल टाइगर है बजरंग, यहाँ का डोमिनेटिंग मेल। इसने अभी थंडर टाइगर जो यहाँ पे डोमिनेटिंग मेल था उसको हराया है करीब 2 महीने पहले। अलग अलग तरह के चेहरे बना रहा है, कभी जमाई ले रहा है, कभी मुंह खोल रहा है, कभी भी नाक मसल रहा है। तीन सफारी के बाद फाइनली मेरी मेहनत काम आई।
वंडरफुल फीमेल भी आ रहे हैं, वंडरफुल अमेजिंग साइड, फीमेल भी आ रहे हैं, मेल फीमेल अब दूसरे जंगल में चले गए. मीटिंग चल रहा है वापस तो रुक जाते हैं. चले 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 इसी तरह इस तरह धीरे 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 आगे 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 से वहाँ दिख रहा हूँ तो दिख रहा है और ले लो पहले ले लो आगे ले लो आगे ले लो आगे ले लो आगे ले लो वो देखो वहाँ पे दिख रहे हाँ झाड़ी में हाँ दिख गया मुझे दिख गया इधर साइड से ले लो अब साइड में है जगह हाँ जगह है इलियास बस बस ये रुक लो गाड़ी बंद कर दो और आगे लो और आगे लो और आगे लो बस 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 रुक अरे टायर चौड़ा हिस्सा तो देख लिया था गाड़ी के साइड टायर को भैया बैठ जाओ भैया आप बैठ जाओ बैठ गया सामने बिल्कुल सामने दिख रहा है बिल्कुल सामने वो पेड़ हिल रहा है ना वहीं पे दिख रहा है कि नहीं दिख नहीं रहा है पेड़ हिल रहा है दिखेगा भी हाँ दिख रहा है सामने चुप 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 सामने
नहीं चलाया भाई। रुको रुको रुको, तुम जब गाड़ी चलाना मत अभी, सीट पे खड़ा हो। चलो मोड़ो चलो। अरे बहुत टाइम है अभी, बहुत टाइम है, रुको ना। अरे निकल जाएंगे हम लोग, निकल जाएंगे। अच्छा अरे ये तो बात सही है यार, जितना मिले उतना कम लगता है। वो तो कभी जितना भी देखे कम लगे। बिल्कुल टाइगर यहीं पे है, हमारी सफारी का टाइम हो गया और हमें छोड़ के अब जाना पड़ेगा इस मोमेंट को। टाइगर बिल्कुल यहाँ पे है। बबाई गाड़ी जाएगी, बबाई गाड़ी जाएगी, बबाई गाड़ी। वंडरफुल अमेजिंगली ब्यूटीफुल टाइगर साइडिंग करने के बाद अब किसी सफारी के टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। 10 12 15 मिनट बचे हैं तो हमें ये तो दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो उनको दिख रहा है, आगे लो ना, आगे लो ना, आगे लो ना, दिख रहा है, उनको दिख रहा है। वो पीछे से उनको दिख नहीं रहा था। अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बोल रहे थे ऑलरेडी हमें अब यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि टाइम हमारा ओवर हो चुका है। टाइगर यहीं पे है, यहाँ पे टाइगर अभी भी दिख रहा है, लेकिन अब हम अनफॉर्चुनेटली टाइम इज ओवर, वी कैन नॉट वेट, अदरवाइज निकलना पड़ेगा। पेनलाइज टाइम हो गया है, 9:30 बजने वाला, 9:30 बजे हमें बाहर निकलना होगा। टाइगर बिल्कुल यहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे। ये बहुत ही अमेजिंग साइटिंग हुई यार, आधे घंटे रिकॉर्ड किया हमने बेहतरीन साइटिंग के बाद हम लोग अपने यहाँ से बढ़ रहे हैं। टाइगर अभी भी हमें सामने दिख रहा है, क्योंकि मजबूरी है, 9:30 होने वाले हैं, हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। हम निकल रहे हैं बिकॉज दिस पीपल अदरवाइज दे विल बी इन ट्रबल। ऑलरेडी एक बार प्रॉब्लम हो चुकी है, तो अभी हम वेट। शानदार 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 शानदार। तो ये है इंद्र पाल जी और ये है इलियास। इलियास भाई, इलियास भाई कैमरा ऊपर है, ऊपर कैमरा, मैं दिखाता हूँ इलियास भाई को वापस से। इनका पेशेंस, इनकी मेहनत, इनका पेशेंस, इनकी मेहनत, जिसके कारण आज हमारी साइटिंग हो पाई है। इंद्र की गाइडेंस की वजह से हमारे को। इंद्र पाल अपना नंबर बताओ। ये इंद्र पाल है गाइड, इन्हीं के थ्रू मैंने बुकिंग कराई थी, आगे भी मैं सारी बुकिंग इन्हीं के थ्रू करवाऊंगा। और ये इलियास जी है, इलियास जी हमारे ड्राइवर है। इंद्रपाल जी अपना नंबर बताइए एक बार। सर मैं किशन प्रोवाइड लाइफ सेंचुरी से गाइड हूँ, दुर्गा नेशनल पार्क से। अब मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर 9161717107। आपको कभी किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या दुधवा आना हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें, कॉन्टैक्ट कीजिए और इनसे बुकिंग कराइए। बहुत ही जेन्युइन इनका रेट है, कोई एक्स्ट्रा पैसा चार्ज नहीं करेंगे और बहुत ही अच्छा, मतलब बिल्कुल बोलते नहीं, क्योंकि इनको मैं चार बार तो मैंने बोल दिया कि सर यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, नहीं बोले नहीं आप रुको, मैं आपको टाइगर दिखाऊंगा, आपको मैंने बोला मैं टाइगर दिखाऊंगा, मैं टाइगर दिखाऊंगा, और दो दो टाइगर, मेल भी फीमेल भी। थैंक यू इंद्र, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपका शुक्रिया इलियास भाई, इलियास भाई, इलियास भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, क्लैप 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 क्लैप। हाँ हाँ, तुम क्या कर रहे हो सर? चलो थैंक यू, आप सर आपको थैंक यू, हम एक दूसरे को सब थैंक यू करेंगे उतर के। अब यहाँ से निकल लो, फिर से रो रही है टाइगर की। तुम्हारा अपना टाइम का हिसाब रखो, चुप 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 चुप। भी टाइगर रोल कर रहा है, लेकिन हम उनकी चल रही है, चलिए यहीं पे अभी भी उसकी रोलिंग के बाद आ रही है। तो प्रॉब्लम यही है कि छोड़ के जाना पड़ेगा, मजबूरी है, आपको मैं करूँगा। दिख रहा है क्या? वहाँ पे आ गया, बैठ गया होगा वो, हमारे लिए आया था। तो ये हम हैं, हम थे पहली जिप्सी और वो जो थी हमारे पीछे वो थी दूसरी जिप्सी, मतलब हम ही दोनों करीब करीब 7 लोग बचे थे और आज लास्ट में हम ही लोग निकल रहे हैं। तो मतलब मैं मोमेंट्स में नहीं बता सकता हूँ कि ये सफारी मेरे लिए कैसा रहा। शुरुआत फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा कि हम लोग कितना इंतजार कर रहे थे, कल की सफारी में आपने देखा किसी टाइगर टाइगर्स का हम लोग इंतजार कर रहे थे, और आज हमने टाइगर को तो मतलब कम से कम 20-25 मिनट आधे घंटे फिल्माया। उसके बाद टाइगर्स आई, टाइगर्स ने एंट्री की, टाइगर सामने आई, टाइगर को लेके गई और फिर उन्होंने वहाँ पर वापस से मीटिंग किया। उसके बाद उनके मीटिंग स्पॉट पर भी मैंने उनको रिकॉर्ड किया और मतलब दिस इज़ सच एन अमेजिंग सेटिंग, मतलब मैं मेरे
मैंने और भी टाइगर रिकॉर्ड किए हैं, सरिस्का मैंने टाइगर रिकॉर्ड किए हैं, मैंने अपनी खुद की कार से रात में टाइगर रिकॉर्ड किया है, मैंने लेपर्ड्स रिकॉर्ड किया है दिन में, रात में तो मधुमक्खी आ गई यहाँ पे, वही जगह है जहाँ मधुमक्खी का छत्ता था, इन्वेस्टर निकल गया यहाँ से। मैं बता रहा था कि मैंने कई जगह टाइगर रिकॉर्ड किया है, लेपर्ड रिकॉर्ड किया है, रात में बिल्कुल मैंने, अब मेरे 4 फीट दूर पे लेपर्ड था, अगर वो सारे आपने नहीं देखे तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके जरूर देखें। लेकिन सफारी में इस तरह से नेशनल हैबिटेट में इतना इंतज़ार करके, इतना मेहनत करके रिकॉर्ड करना, मतलब मेरे लिए ये शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मेन टाइगर बहुत बड़ा था, उसका साइज़ तब पता चला जब फीमेल उसके पास आके खड़ी हुई, उसके बगल से साइड से निकली, जब उसके बगल में वो खड़ी हुई तब दिखा कि वो मतलब फीमेल थी कितनी बड़ी, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। और हर सफारी के बाद, हर टाइगर साइटिंग के बाद जो भी वाइल्ड लाइफ लवर है, जो भी टाइगर लवर है, वो ऐसा ही फील करता है। मेरे तो चैनल का नाम ही है पूरा टाइगर, और गाड़ी बहुत तेज चल रही है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, टाइम टू गेट पर टाइमली पहुँचना है। देखो उधर हम लोग टाइगर रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसके थोड़ी से मतलब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं पैदल ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे व्लॉग आपको पसंद आ रहे होंगे, ये प्रोबेबली लास्ट एपिसोड है इस सीरीज़ का। इसके मैं चार्जेस बता दूँ कि 3,500 रुपये चार्ज भी किया है मैंने सफारी का, और मैंने इससे बुकिंग कराया, मैंने कभी मिलवा दिया तो उससे मैंने बुकिंग करवाया है। किशनपुर में रुकने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं ब्लॉग में आप देख सकते हैं मैं कहाँ रुका था, कैसे रुका था। तो साफ है, साफ है, साफ है, साफ है। पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो। यहाँ पे हम बात कर रहे थे तो रोड पे एक सांप आ गया बड़ा सा, भाग के घर में चला गया, हम उसके रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाया थे। तो मैं रिकॉर्ड हो गया थोड़ा सा, उधर ही है भाई, उधर ही है, उधर गया। कौन सा स्नेक था वो? नहीं वो था बड़ा वाला स्नेक ही था, बहुत लंबा स्नेक था, बहुत बड़ा। मैं चैनल एंड कर रहा हूँ, फिर एंड करते करते स्नेक देख लिया, काफ़ी लेट हो गया हमको, गाड़ी पकड़ने में जा रहे हैं। चैनल को अब तो सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इस सफारी के बारे में, इस किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हो प्लीज़ मुझे डीएम कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट कीजिए, मेरे ब्लॉग पे, मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।